आपको आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत किया था, उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां बुद्ध ने जन्म लेकर के दुनिया में शांति का संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां सर्वाधिक जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया में अहिंसा का एक नया संदेश देकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने स्वाधीनता आंदोलन में अग्रिम पंक्ति पर चल करके देश को विदेशी हुकूमत के मुक्त कराने के लिए बलिदान देने में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं किया, और यही उत्तर प्रदेश है जिसने आजादी के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इस गौरवशाली परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और गौरव की अनुभूति होगी भी क्यों नहीं। पिछले वर्ष हमने प्रयागराज में कुंभ का इतना भव्य आयोजन किया था, कितने लोग कुंभ में आए थे, लोग मुझसे पूछते थे कुंभ के आयोजन के पहले कि कितने लोग आएंगे, तो मैं कहता था कि देखो उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और 23 करोड़ से कम लोग तो नहीं आएंगे। तो लोग कहते थे कि 13 में तो केवल 12 ही करोड़ आए थे, तो मैंने कहा ये मान के चलिए कि अगर 12 करोड़ आए थे तो इसके दुगने तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि शासन सत्ता में हम लोग हैं तो लोगों का विशेष लगाव भी होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 करोड़ 56 लाख श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे कुंभ में, और उन्होंने कुंभ में गंगा के पवित्र पावन तट पर संगम में स्नान किया था और पुण्य के भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन, आज मौनी अमावस्या भी है, और आज मौनी अमावस्या में कितने लोग प्रयागराज में आए हैं, 2.5 करोड़ लोग आए हैं। सुबह जब मैं 8 बजे वहां की रिपोर्ट ले रहा था तो उस समय तक लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में प्रयागराज में स्नान किया था, यानी 50 लाख दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है, और हमारे यहां 2.5 करोड़ लोग एक बार में स्नान संगम में प्रयागराज में कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही संभव हो सकता है, अन्यत्र मुझे लगता बहुत कठिन होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अपनी आदरणीय राज्यपाल महोदया का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उत्साहवर्धन के लिए उनके प्रदेश में दौरे होते हैं, और उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है, उन सब में उनकी सहभागिता होती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश स्थापना के 70 वर्ष के अपने इन गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने बहुत सारे कार्यक्रमों को यहां पर शुभारंभ किया है और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। आज स्थापना दिवस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो 4 प्रमुख परंपराएं उत्तर प्रदेश के अंदर देखती हैं, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मंच पर इसका कार्यक्रम भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को यहां पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यानी यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मानजनक स्थान दिया है, जिसमें इन खिलाड़ियों को 3,11,000 रुपए की राशि, एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र आज उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इन खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने खेल के इन विभूतियों को जिन्होंने देश और
विदेश में भी उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है, इनको सम्मान करने के लिए हर वर्ष आयोजन कर रही है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, उनको लक्ष्मण पुरस्कार, महिला खिलाड़ी हैं उनको लक्ष्मी बाई पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं। लेकिन साथ साथ ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में भी जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं और वहां पर पदक प्राप्त करते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए देती है, रजत मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ही एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 50 लाख, रजत पदक पर 30 लाख और कांस्य पदक पर 15 लाख और प्रतिभाग करने वाले पर खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जहां ये कार्यक्रम, वहीं पहली बार हम लोगों के द्वारा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने फरवरी 18 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में रुचि दिखाने और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार और रोजगार के साथ साथ निवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के उद्यमी को, बाहर के उद्यमी, बड़े बड़े उद्यमी हैं उनको तो हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुलाते हैं, उनके साथ हम लोगों के संवाद होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का उद्यमी भी, कितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को जमीनी धरातल पर ला करके दुनिया के सामने रखना ये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक का दायित्व है। इसलिए उत्तर प्रदेश के ही उद्यमी का चयन किया गया और ऐसे 7 उद्यमियों को भी आज मंच पर सम्मानित किया गया है। मैं इन सभी उद्यमियों का और अपने सभी खिलाड़ियों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्हें आज मंच पर आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मान दिया गया। ये एक सम्मान, एक व्यवस्था है, क्योंकि इनके कारण उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन में सुधार हुआ। खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल करके पदक लेता है तो वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, देश के अंदर खेल रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए खेलता है, और जब देश से बाहर है तो देश के लिए खेलता है तो उत्तर प्रदेश का भी उसके साथ नाम जुड़ता है। इसलिए उसको सम्मान देना यह हमारा दायित्व है। साथ साथ उस खिलाड़ी को यहां पर सम्मान दिया गया और साथ साथ यहां पर हमने अपने उद्यमियों को भी सम्मानित किया है, क्योंकि इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को बदला है कि नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है निवेश का। और उन्होंने इस बात को साबित करके, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, पहले डरते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, हमें शासन के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, और उन्होंने रिस्क लिया, उत्तर प्रदेश में निवेश किया। आज उन्हें सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है। और ये 7 उद्यमी जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चयन किए थे, आज उनका यहां पर सम्मान किया गया। मैं इस अवसर पर उनके द्वारा निवेश के साथ साथ रोजगार की जो व्यापक संभावनाएं प्रदान की गई हैं, सचमुच उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं इन सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने हर एक तबके को सम्मान देने का कार्य किया। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, युवाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से, प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ युवाओं के प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार करती है, जिसमें वे अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकें और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्सिडी और उनके लिए अन्य प्रकार के सहयोग की व्यवस्था हम योजना के माध्यम से तय करते हैं। हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया, अलग अलग तबके को सम्मान। कल यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई
विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़ी हुई और खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि यह वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष है और 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर गांधी जी ग्राम स्वावलंबन की बात करते थे, तो बापू के उस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने आज के इस अवसर पर कल इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में 25 जनवरी को यह व्यवस्था दी है कि यहां पर एक कार्यक्रम केवल एक जनपद एक उत्पाद से होगी, दूसरा कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान से होगा और तीसरा कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग से होगा और इनसे जुड़े हुए जो निवेशक होंगे, जो एक्सपोर्टर होंगे, उन सबको भी इस मंच पर सम्मान करने का कार्य कल प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर अपने उन परंपरागत उद्यमों से जुड़े हुए जो भी हमारे उद्यमी उनको सम्मान किया जाएगा और फिर परसों 26 जनवरी का कार्यक्रम प्रातःकालीन सत्र में रिपब्लिक डे का परेड होगा और उसके बाद अपराह्न में इसी स्थल पर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले स्वच्छ भारत मिशन में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, शासन की उन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम में प्रदेश के जिस जनपद ने बेहतरीन कार्य किया होगा उन लोगों को भी सम्मान देने का कार्य इस मंच के माध्यम से किया जाएगा और साथ साथ इन कलाकारों के सम्मान का कार्यक्रम भी होगा जिन कलाकारों के द्वारा अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोगों ने एक नई योजना को और शुभारंभ यहां पर किया है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पहले 67 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया था और उस वर्ष हम लोगों ने एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी, एक जनपद एक उत्पाद की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। ये देश की सबसे लोकप्रिय योजना आज के दिन पर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना देश की सबसे लोकप्रिय आज के दिन पर योजना बनी है और इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को आज के दिन पर 28% बढ़ाने का कार्य किया है। पूरे देश के अंदर एक्सपोर्ट 7 से 8% बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का 28% बढ़ा है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है और उस समय प्रदेश के अंदर राज्यपाल थे आदरणीय श्री राम नाईक जी। वे बार बार मुझसे कहते थे कि हर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस को मनाता, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं मना रहा है। तो हमारा पहले वर्ष हम लोग आए थे, मार्च 17 में हमने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद का दायित्व लिया और उन्होंने इस बारे में मुझसे कहा, हमने कहा जरूर मनाएंगे और जनवरी 18 में पहला स्थापना दिवस का आयोजन हम लोगों ने किया था। स्थापना दिवस में एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया। हमारे 75 जनपद हैं और इन 75 जनपदों को आप सोचिए, उत्तर प्रदेश आज जो है इसमें कभी केवल 8 जनपद हुआ करते थे, 8 महाजनपद हुआ करते थे और ये 8 महाजनपद आप उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ देखेंगे तो ये 8 इसमें जो काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरूप, पांचाल और सुरसेन, देश के जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। यानी सभ्यता की धरती है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इन 8 जनपदों से आज हमारे पास जनपद हुए हैं 75। इन सभी 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं, सम्मान का कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किया जा रहा है और साथ साथ ये सभी कार्यक्रम आपने देखा हो, यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, सूचना विभाग की, संस्कृति विभाग की, एक जनपद एक उत्पाद की, ये सभी योजनाएं यहां पर एक साथ चल रही है। दूसरा स्थापना दिवस जब हम लोगों ने विगत वर्ष यहां पर मनाया था तब हम लोगों ने एक नई योजना लॉन्च की थी, उसका नाम था विश्वकर्मा श्रम सम्मान। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो हमारे गांव में नाऊ है, मोची है, हलवाई है, गांव का कारपेंटर है, राजमिस्त्री है, गांव से जुड़े हुए
गांधी जी के ग्राम स्वावलंबन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उन सभी परंपरागत कार्य से लगे हुए उन लोगों को एक नया मंच देने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनको टूल किट्स उपलब्ध कराना और फिर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर लेना, इस योजना के माध्यम से जिसमें माटी कला बोर्ड का कार्य बहुत अच्छा अब तक रहा है। माटी कला बोर्ड प्लास्टिक को बैन किए जाने के बाद माटी कला बोर्ड के माध्यम से अच्छे बर्तन, मिट्टी के अच्छे बर्तन, डिजाइन युक्त बर्तन, एक कुम्हार अच्छे बर्तन बना सकता है और तेजी के साथ बना सकता है। मैनुअल चाक की जगह इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक भी उसे प्रदान करने की कार्रवाई इसके माध्यम से प्रारंभ हुई, इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभ हुई। और आज जब 70 वर्ष पूर्ण होने पर तीसरा स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश अपना मना रहा है, तब हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है और ये है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि थी, और यह योजना है अटल आवासीय विद्यालय की। ये अटल यानी 18 कमिश्नरी हैं हमारे पास, 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये 18 अटल आवासीय विद्यालय ये श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो श्रमिक शेष देता है जहां पर कार्य करता है उसका एक अंशदानवश श्रमिक शेष के रूप में, लेबर शेष के रूप में शासन को प्रदान उसके नाम पर होता है, इस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा था। और हमें और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जब तक शासन की योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं मिलेगी, तब तक शासन का असली उद्देश्य, लोक कल्याण का असली उद्देश्य पूरा होता ही नहीं है। और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया 18 कमिश्नरी है, 18 कमिश्नरी में 18 आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोग प्रारंभ करेंगे। और ये 18 आवासीय विद्यालय जिसमें हम रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों को ला करके पढ़ाने की, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, उनके आवासीय व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनकी हर प्रकार की सुविधा, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे उनको पढ़ाएंगे, जिनके पढ़ने लिखने में रुचि कम होगी स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है स्पोर्ट्स में उन्हें पारंगत कराएंगे, और जिनकी उसमें भी रुचि नहीं होगी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य प्रदेश सरकार करेगी। 18 विद्यालयों का शुभारंभ हम आज यहां पर कर रहे हैं। इन 18 विद्यालयों के साथ हम लोगों ने और जोड़ा है कि रजिस्टर्ड श्रमिकों के साथ ही प्रदेश के अंदर के जितने भी निराश्रित और अनाथ बच्चे हैं उन बच्चों को भी इन विद्यालयों में रख करके हम पढ़ाने की व्यवस्था और राष्ट्र को योग्य नागरिक देने का कार्य हम लोग इन 18 आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसलिए मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के लगातार फोकस करते हैं कि हर नागरिक के लिए शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को बराबर मिले, और उस योजना को बराबर देने के लिए समाज, क्योंकि श्रमिक आज लखनऊ में है, कल कानपुर में चला गया, अगले महीने आगरा चला गया, उसके साथ ही उसके बच्चे भी जाते हैं और वे पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ रह जाते हैं, घूमते हैं। तो यूपी दिवस, 70 साल यूपी को स्थापित हुए हुए, और ऐसे में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम को और कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं और उद्यमियों को सम्मानित भी यहां पर अब किया जा रहा है। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है यूपी, वहीं युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई है।